बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट 12 पे आ गए हैं हम। लॉगरिदम सिंटेक्स बुक बोर्ड मैथमेटिक्स यूनिट 3 है लॉगरिदम का, और इसका लेक्चर 2 एक्सरसाइज 3.1 है, और इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है वो 3 क्वेश्चन जो है इसके कर लिए थे, अब हम इससे आगे करने जा रहे हैं। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक हो गया, ये नंबर 4 पे आ जाएं। ये रही आप एक्सरसाइज 3.1। 4 में क्या कह रहा है? 4 में है आपके पास 0.053, ये आपका ऑर्डिनरी नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब क्या करेंगे हम? पिछली वीडियोज़ में अगर आप गौर करें, जिन्होंने इसी लेक्चर 2 का पार्ट 1 देखा होगा, 3 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें, और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क ये था कि पॉइंट की जो मूवमेंट थी, जो पॉइंट था, ये राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा था, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, ऐसे जा रहा था ये। लेकिन अब क्या होगा, ये पॉइंट यहां से यहां आएगा 5 और 3 के दरमियान, 0 और 5 के दरमियान नहीं आएगा। जरा यार ध्यान लगाइए, 5 और 3 के दरमियान जाएगा ये, ठीक है? और 5 और 3 के दरमियान जाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अब अपने हाथों को देखें, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। पॉइंट जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा या राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, तो इससे फर्क किस चीज पर पड़ता है? इससे जो पावर होती है उसके साइन पर फर्क पड़ता है, यानी कि पावर प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। याद रखिए, जब भी पॉइंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिटिव पावर आती है, और जब भी पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाएगा, ये नोट कर लीजिए अपने पास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, लेफ्ट टू राइट अगर जाएगा पॉइंट तो पावर नेगेटिव आएगी। नोट्स में डालें और जहन नशीन कर लें पक्का पक्का। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ से उठ के 5 और 3 के दरमियान आ रहा है, लेफ्ट से राइट आ रहा है, कितने डिजिट क्रॉस कर रहा है? 1, 0 और 5, 2 डिजिट क्रॉस कर रहा है। इसको मिटा दूंगा, 2 डिजिट क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 0.05×10^2, क्योंकि 2 डिजिट क्रॉस किए तो 2 की पावर लगेगी, लेकिन माइनस की लगेगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरी बात ये कि अब ये जो 2 जीरो हैं, ये अननेसेसरी हैं, आप इनको भले हटा दें यहां से, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 0.000 आगे है 7689। अब पॉइंट को दोबारा कहाँ लेके जाएंगे? इस 7 और 6 के दरमियान लेके जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है पॉइंट, पावर कौन सी होगी? नेगेटिव होगी। कितने डिजिट क्रॉस करके जा रहा है? एक ये 0, दूसरा 0, तीसरा 0, फिर ये 7, तो ये हो जाएगा 0000, 4 0 है, 7.689, 1 2 3 4, 3 0 और 1 7 को क्रॉस किया, टोटल 4 डिजिट क्रॉस किए, तो ये × 10^4 हो जाएगा, लेकिन पावर कौन सी आएगी? माइनस की आएगी, और ये 0 अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 7.689×10^-4, ये आपका आंसर हो गया। पीछे इनके आंसर्स लिखे हुए आपकी बुक में, वहाँ भी चेक कर लीजिएगा। अब 6 की तरफ चलते हैं। 6 में हमारे पास है 7000, 0000, याद रहे ये कॉमा है, ठीक है, पॉइंट नहीं है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें। अब इसमें तो पॉइंट है ही नहीं कहीं। है भाई, क्या बताया था? एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ये रहा यहाँ, इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे 7 और 0 के दरमियान, तो ये हो जाएगा 7.000000×10^2, कितने 0 क्रॉस करके आया? ये 3 ये और 3 ये, तो 6 की पावर आ जाएगी। पावर पॉजिटिव लगाएं या नेगेटिव, राइट से लेफ्ट की तरफ गया है तो पॉजिटिव पावर आएगी।
अब जब ये हो गया है सब, तो याद रखिए अब इन जीरोस को लगाने की जरूरत नहीं है आपको जी, और इस पॉइंट को भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको जी। आप सिर्फ 7 × 10⁶ यही आपका आंसर होगा। मकसद पूरा हो चुका, ऑर्डिनरी नंबर जो था ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका। अब आप कहेंगे सर ये जीरो लेफ्ट वाले क्यों हटा दिए, पॉइंट भी गायब क्यों कर दिया, अब इसमें पॉइंट कहाँ है, ये भी तो एक नंबर है। आप कह रहे हैं हर नंबर के साथ पॉइंट है, साइंटिफिक नोटेशन है तो पॉइंट तो इसके साथ भी होगा जी, बिल्कुल है, उसको हमने छुपा दिया, वो इस जगह पर है 7 पॉइंट, लेकिन अब उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, याद रखिएगा ये जगह आगे काम देगी। ठीक है, 7 की तरफ चलते हैं। 7 में हमारे पास है 89 000, इसमें कहाँ है पॉइंट भाई, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर, ये रहा छुपा हुआ है, इसको जाहिर करें और इसको कहाँ लेके आ जाएं, 8 और 9 के दरमियान, तो सॉल्यूशन इसका 8.9000, कितना इंटू 10⁻ कितनी पावर लगेगी, 3 0 3 0 और 1 9, 7 डिजिट क्रॉस करके आया तो 7 की पावर लगेगी, पॉजिटिव पावर लगेगी या नेगेटिव, पॉजिटिव लगेगी, रूल क्या कहता है, राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट मूव किया। अब इन जीरोस को लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दें, सिर्फ आप 8.9 कर दीजिए, यही आपका 8.9 × 10⁻⁷ ये आपका आंसर है। ठीक हो गया भाई, 8 देखते हैं इसके अंदर 8 क्या है, मिटा दूंगी जी सर, मिटा दीजिए। ये 8 आ गया, 8 में है आपका 0.000, इतने सारे जीरो हैं भाई, सही तरह नज़र भी नहीं आता, 3 0 6 7 0 हैं, 0.000, 000, फिर 0, फिर क्या है 1 5 1 5, सोल्यूशन इसका क्या होगा, पॉइंट को डेफिनेटली कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर इस 1 और 5 के बीच में, तो कितने डिजिट क्रॉस करके जा रहा है, 1 2 3 3 ये हो गए, 1 2 3 6 हो गए, 1 और 0 7 हो गए, और ये 1 8 डिजिट क्रॉस करके ये यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10⁸ पावर कौन सी लेगी, माइनस की लेगी, लेफ्ट से राइट की तरफ 8 डिजिट क्रॉस करके ये यहाँ पर आया है 1 और 5 के दरमियान। अब पहले ही बता चुका हूँ कि ये लिखने की ज़रूरत अब आपको नहीं है, ये 1.5 हो गया, अननेसेसरी जीरोस राइट हैंड साइड में हो लेफ्ट हैंड साइड में हो, जस्ट रिमूव देम, उनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ये तो आपकी बेसिक्स हैं, इस वजह से मैं आपको ये लिख के भी दिखा रहा हूँ ताकि कंक्रीट आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ये इसका आंसर हो गया, ठीक हो गया भाई। अच्छा अब यहाँ तक हम इनको रखते हैं, ये 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लेक्चर 2 का पार्ट 2 भी हो गया, पार्ट 3 के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को ये बात समझा दूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इनको सॉल्यूशंस के तौर पर रखें, आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें, बाकी आने वाले क्वेश्चन खुद सॉल्व करें जी, रटना नहीं है ना हमने तो समझना है, तो समझ गए आप, डू इट बाय योरसेल्फ, खुद सॉल्व कीजिए। हाँ आंसर नहीं मैच हो रहा तो वीडियो पढ़िए भाई, सॉल्यूशंस पढ़ें, यहाँ से आप टैली कर लीजिए ना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगेन नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।